हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ये गोभी के पराठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गोभी के पराठे किस तरीके से बनाए हैं मैंने, तो आप लोग देखिए। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने ये गोभी ली है, तो एक बड़ा फूल है। और इसको फिर मैं अच्छे से धो लूँगी, और अच्छे से धोना है क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं। तो मैंने बीच से कट करके और फिर इसको धुला है, तो ये देखिए। और छोटे छोटे टुकड़े करके धुलूँगी तो गोभी घिसने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने बीच से टुकड़ा कर लिया था, बीच से काट लिया है। उसके बाद इसे घिसूँगी। गोभी मेरी घिस गई है, तो देखिए कितनी अच्छी से गोभी घिसी है। और अब मैं मसाले लूँगी, तो मसालों में मैंने जीरा और धनिया को अच्छे से भून लिया है। और फिर इसको पीसने के बाद फिर मैंने इसमें अमचूर पाउडर मिला लिया है, और आधा चम्मच लाल मिर्च और हल्दी पाउडर एक चुटकी लिया है, ज़्यादा हल्दी नहीं ली है मैंने। और यही है, और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और नमक टेस्ट के हिसाब से, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर मैं अब तेल से थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, इसमें गोभी को फ्राई करूंगी अच्छे से। तो ये जीरा है, आधा चम्मच से भी कम लिया है मैंने जीरा। और फिर जो कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है, तो उसमें ये जीरा और हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको अच्छे से भून लूँगी। और फिर मसाले डाल के जो गोभी घिसी है उसको भी इसी में ऐड करके और अच्छे से भून लूँगी, और गोभी को थोड़ा पकने भी दूँगी। और फिर काफ़ी अच्छे से इसको भूनना है, इसका पानी सूख जाए, क्योंकि फिर जब पराठे बनाएंगे तो भरने में दिक्कत होगी अगर इसका पानी नहीं सूखेगा। तो इसको काफ़ी अच्छे से भून लेना है। ये देखिए मेरा मसाला बनके रेडी हो गया। तो मैंने ये मसाला रात में ही बना के रख लिया था, मुझे अगले दिन मॉर्निंग में पराठे बनाने थे और जल्दी रहती है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ अपना। नाइट में ही जो भी मसाले वगैरह बनाने होते हैं तो मैं बना लेती हूँ, ठंडियाँ हैं तो ख़राब भी नहीं होता है। और ये फिर मैं मॉर्निंग में पराठे बनाऊँगी।
तो ये देखिए मेरे पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं गाइस, और आप इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ या दही के साथ जैसे भी खाना चाहते हैं वैसे खाइए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।